वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. आप लोगों ने बेटा मेरे पिछले वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, इसके लिए बिग बिग थैंक्स. सो वंस अगेन माय सेल्फ सुनील चन्ने, अ मैथ्स टीचर. अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 5, एक्सपेंशन फॉर्मूलेस. तो बेटा इस वीडियो को भी आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और कमेंट भी करना है बेटा. तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते रहूंगा. ओके लेट्स स्टार्ट. तो बेटा नया 7th क्लास में आपने ये फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी. सो व्हाट हैपेंड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज्ड which term should be added, subtracted, multiply or divide. इनमें बहुत confusion है बच्चों के बीच में, बहुत confusion. वो exam में पूरा wrong लिख कर आते हैं कि plus कब करना है, minus कब करना है, multiply कब करना है, divide कब करना है. इसका उनका knowledge बेटा बहुत ही poor होता है. तो मैं आज आपको before starting the chapter, मैं आपके base को थोड़ा मजबूत करना चाहता हूं. तो कैसे बेटा, ध्यान से देखो. एज यू नो फर्स्ट पॉइंट, ए प्लस ए क्या होता है बेटा, 2a. सेकेंड पॉइंट, a माइनस ए इज इक्वल टू 0. थर्ड पॉइंट, a मल्टीप्लाई बाय a इक्वल टू a स्क्वायर. एंड द फोर्थ पॉइंट, a डिवाइडेड बाय a इक्वल टू 1. इसका नॉलेज बेटा आपका पूरा पक्का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी आप आगे के एक्सपेंशन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. ए प्लस ए टू ए, अब देखो बेटा फर्स्ट वाला ए प्लस ए टू ए. अब ये कैसे बना ए प्लस ए टू ए बेटा, तो देखिए ध्यान से, ए प्लस ए बेटा यहां पर जो है कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर कोएफिशिएंट 1 है बेटा 1. तो मैं वेरिएबल को कॉमन निकाल लेता हूं बाहर. तो यहां से a है, यहां से a है, दिस इज बाइनोमियल, दिस इज अ बाइनोमियल. तो a कॉमन आएगा बेटा, यहां बचेगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2a. दिस इज हाउ a प्लस ए 2a. अनदर एग्जांपल, 3a प्लस 5a, 3a प्लस 5a कौन है बेटा कॉमन, ए वेरिएबल, दोनों में कॉमन है ए ए. तो बेटा ए बाहर आ जाएगा, ए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, 3 प्लस 5, ए कॉमन आ गया बाहर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 8a. दिस इज हाउ आप कोई भी टर्म को प्लस कर सकते हैं. तो जब आप प्लस करोगे बेटा तो दोनों में वेरिएबल सेम होना चाहिए, सेम वेरिएबल होना चाहिए, तो ये प्लस होता है. तो 3 प्लस 5 8a. अगर ऐसा हो जाए 5a प्लस 3b, कैन यू एड दीज टू टर्म 5a एंड 3b? बच्चा लिखेगा 8ab. सर आपने तो बताया अभी कि इनको इनको प्लस कर दो, लेकिन बेटा कहां पे रॉन्ग हो गया, वेरिएबल. यहां पर वेरिएबल b है बेटा, यहां पर वेरिएबल a है. तो 3 प्लस 5 8ab नहीं होगा, नेवर, ऐसे प्लस नहीं होता है बेटा. बिकॉज इनके वेरिएबल कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट. जब डिफरेंट डिफरेंट है बेटा वेरिएबल, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन. तो आप इसको प्लस नहीं कर सकते. अनदर एग्जाम्पल, 3xy प्लस 4mn, क्या आंसर होगा बेटा 3 प्लस 4 7xy mn? नो, प्लस नहीं होगा बेटा, ये प्लस नहीं होगा, बिकॉज वेरिएबल्स आर डिफरेंट. दिस इज नोन एज अनलाइक टर्म्स. तो ये प्लस कब होगा बेटा, अगर सपोज ऐसे आ गया 3xy प्लस 4xy. अब देखो xy xy, तो 3 प्लस 4 7xy,
तो आंसर आएगा 7xy। इस केस में प्लस होगा, इस केस में प्लस नहीं होगा। अंडरस्टैंड? सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? व्हेनेवर यू ऐड टू टर्म्स, व्हाट मस्ट बी सेम? दैट टर्म मस्ट बी सेम, दे आर लाइक टर्म्स, वेरिएबल शुड बी सेम, देन एंड ओनली देन यू कैन ऐड द टू टर्म। ओके, अगेन बेटा, ए प्लस ए टू ए, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ ए माइनस ए जीरो, हाउ? ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, हाउ? हाउ इट जीरो? तो लिसन बेटा, यहां कोएफिशिएंट वन है, यहां कोएफिशिएंट वन, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा बेटा ए, तो यहां बचेगा वन माइनस वन, वन माइनस वन, व्हाट इज वन माइनस वन? जीरो, जीरो इंटू ए, जीरो इंटू समथिंग, इट इज ऑलवेज जीरो। तो ए माइनस ए, दोनों में टर्म कैसे बेटा? बोथ हैव लाइक टर्म्स, ये दोनों के टर्म्स कैसे हैं? लाइक, तो ए माइनस ए हो जाता है जीरो, ए कॉमन आएगा, अंदर बचेगा वन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो ए। अनदर एग्जाम्पल, फाइव ए माइनस टू ए, फाइव ए माइनस टू ए, तो बेटा दोनों में कॉमन क्या है? ए, तो ए कॉमन आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? फाइव माइनस टू, फाइव माइनस टू थ्री ए। दिस इज हाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट द टू टर्म्स, बट द कंडीशन इज बोथ मस्ट बी लाइक टर्म्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक टर्म्स? बोथ मस्ट पोजेस सेम वेरिएबल। तो बेटा दोनों में वेरिएबल सेम है, तो 5a माइनस 2a ये हो जाएगा 3a। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 5a माइनस 2, 5 माइनस 2 3, और वेरिएबल कौन है बेटा? a। अगेन अनदर एग्जांपल, 4xy माइनस 2xy बोथ हैव सेम वेरिएबल xy, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बेटा, 4 माइनस 2 2, और वेरिएबल कौन है बेटा? एक्स वाई। दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। बट अगर बेटा ऐसा हो जाए, फोर एक्स वाई माइनस टू एम एन, फोर एक्स वाई माइनस टू एम एन, इज इट पॉसिबल? नो। तो कई बच्चे लिख के आते हैं टू एक्स वाई एम एन, दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि बेटा इसमें वेरिएबल कैसे हैं? डिफरेंट डिफरेंट, तो इनके बीच में सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑलवेज परफॉर्म बिटवीन लाइक टर्म्स, ऐसे लाइक टर्म्स होने चाहिए बेटा, तभी आप प्लस और माइनस करना, अदरवाइज नहीं करना। इसमें देखो अलग अलग टर्म है, इसमें देखो अलग अलग, इसमें देखो अलग अलग टर्म है, तो ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये दोनों बेटा सेम टर्म थे, अगेन 2mn माइनस 3pq, क्या ये माइनस होगा? नो, बिकॉज इनके वेरिएबल कैसे बेटा? डिफरेंट डिफरेंट। अंडरस्टैंड? ओके, सो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, नाउ वी विल मूव a इंटू a, a मल्टीप्लाई बाय a, व्हाट इज a मल्टीप्लाई बाय a? a स्क्वायर, कैसे है बेटा? यू नो द इंडेक्सेस रूल, सेम बेस इंडेक्स विल बी एडेड, तो a इंटू a क्या हो जाएगा बेटा? a स्क्वायर। एग्जाम्पल, 3a इंटू 4a, तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा? 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 हो जाएगा बेटा 12, और a इंटू a स्क्वायर। अनदर एग्जाम्पल, 5m इंटू 2m स्क्वायर, 5m इंटू 2m स्क्वायर, 5 टू 10। अब बेटा यहां m, m का डिग्री क्या है? 1, पावर 1, और ये 2, तो बेस से इंडेक्स क्या हो जाएंगे? प्लस, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, तो m रेज टू पावर 3,
तो 5m इंटू 2m स्क्वायर m क्यूब। अनदर एग्जाम्पल 5xy मल्टीप्लाई बाय 2mn, इज इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई? यस यू कैन मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा बेटा 5 टू जा 10 और ये xy इंटू mn, xy इंटू mn, इज इट पॉसिबल? एब्सोल्यूटली पॉसिबल। तो मल्टीप्लाई में बेटा सेम वेरिएबल है तो भी आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 4 12 a इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर और यहां है एम स्क्वायर और यहां m, अलग अलग बेटा डिफरेंट है, उसके बाद भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 2 10 m क्यूब, 5xy इंटू 2mn, 5 2 10 xy mn, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। दैट मीन्स इन मल्टीप्लीकेशन यू कैन मल्टीप्लाई विथ लाइक टर्म एज वेल एज अनलाइक टर्म्स। तो 5xy इंटू 2mn इज इट पॉसिबल? यस, 5 2 10 mx and y। तो अनदर एग्जाम्पल देखो बेटा, 5x2y into 2mt cube क्या मल्टीप्लाई होगा? यस, 5 2 10 x2y mtn, डिफरेंट डिफरेंट है बेटा। तो x2y into mt cube आप ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन इज डिवाइड, a डिवाइडेड बाय a, a डिवाइडेड बाय a मीन्स a अपॉन a इक्वल टू 1। हाउ? a a गेट कैंसिल, व्हाट विल रिमेन? 1। एग्जांपल 5a अपॉन 10a, क्या आंसर आएगा बेटा इसका? a a गेट कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, आंसर विल बी हाफ। सो डिवाइड आप करते हैं तो इसमें बेटा सेम वेरिएबल को आप कैंसिल करोगे। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल को ध्यान से देखो। फोर एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2mn, व्हाट विल बी द आंसर? 4xy अपॉन 2mn, क्या डिवाइड कर सकते हैं बेटा? यस, 2 1 2, 2 2 4, आंसर इज 2xy अपॉन mn। देखो आपने इसको रिड्यूस कर दिया, सो यू मस्ट हैव द नॉलेज a प्लस a 2a, a माइनस a 0, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, a डिवाइड बाय a 1। सो मल्टीप्लीकेशन कैन बी परफॉर्म, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड कैन बी परफॉर्म विथ डिफरेंट वेरिएबल्स, बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑलवेज परफॉर्म बिटवीन लाइक टर्म्स, इट डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन अनलाइक टर्म्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो।